नू में आशा वर्कर ने लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और आशा वर्करों ने गांधी पार्क से एसपी कार्यालय तक पैदल चलकर नारेबाजी करते हुए रोष जताया। एसपी के मार्फत प्रदेश के डीजीपी के नाम ज्ञापन सौंपा। आशा वर्करों ने बताया कि राज्य में आशा वर्कर्स अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं। वहीं 8 अगस्त से करीब 20 हजार आशा वर्कर्स हड़ताल पर है। एक महीने से ज्यादा समय गुजर जाने के बावजूद सरकार ने वर्कर्स की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में आशा वर्कर्स ने प्रदर्शन करते हुए एसपी नू के मार्फत डीजीपी हरियाणा को मांग पत्र भेजते हुए कहा कि भविष्य में पुलिस की ओर से दमन कार्रवाई रोकी जाए। जो भी पुलिसकर्मी 28 अगस्त और 13 सितंबर की घटनाओं के आरोपी हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। पुलिस हिरासत में मानवाधिकारों का उल्लंघन भी बंद किया जाए। आज हमने यहां आकर के आशा वर्करों को जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से पूर्ण समर्थन दिया है। हम इनकी सभी मांगों का समर्थन करते हैं, आने वाले विधानसभा सत्र में भी उठाएंगे और आने वाले चुनावों में घोषणा पत्र में इनकी सभी मांगों को हम रखेंगे।